नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप फ्रॉक में, शॉल में, स्टॉल में, श्रग में डाल सकते हैं या फिर किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे। अगर आपको फंदे बढ़ाने हो तो पहली लाइन में आप फंदे बढ़ा सकते हैं। इसे बनाने के लिए 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदे एक्स्ट्रा। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बना लिए। हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। तो अब डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से, तो पहला फंदा उल्टा बुनेंगे या स्लिप करेंगे और नेक्स्ट दो फंदों को भी हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद 8 फंदों को सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 और 3 बार लपेटा, उल्टा बुन लिया 7, 3 बार लपेटा और उल्टा बुन लिया 8। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। 2 फंदा स्लिप कर लेंगे और अगले 8 फंदों को सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। 7 और 8। तो इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में 3 फंदा बचेगा, तो 2 फंदे को स्लिप कर लेंगे और आखिरी फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये एज स्टिच है। तो एक लाइन हमारा डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और फ्रंट साइड। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले 2 फंदे को सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट 8 फंदा खोलेंगे, 8 फंदा हम खोलेंगे, उनको इन 8 फंदों के चारों तरफ हमें 2 बार लपेटना है। 1 हुआ और ये 2। तो हमने देखिए 2 बार इन 8 फंदों के चारों तरफ 2 बार ऊन लपेट लिया। अगले 2 फंदे सीधे, 1 2। नेक्स्ट 8 फंदों को हम खोलेंगे, तो अगले 8 फंदों को हमने खोल लिया। अब इन 8 फंदों के चारों तरफ हमें 2 बार ऊन लपेटना है। तो ऊन को अपनी ओर करेंगे, फंदों को लपेटे फंदों को बाएं सिलाई में करेंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, फंदों को दाहिनी सिलाई में, ऊन को अपनी ओर करेंगे, फंदों को बाएं सिलाई में करेंगे, ऊन को दूसरी तरफ और फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में। अब ऊन दूसरी तरफ है, अगले 2 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2। तो इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदों को सीधा बुनना है और 8 फंदों को खोलेंगे और इनके चारों तरफ 2 राउंड हम थ्रेड को लपेट लेंगे। 1 और ये 2। अगले 2 फंदे सीधे, अगले 3 फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन डिज़ाइन का दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया है। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदे सीधे बना लेंगे।
सभी फंदे सीधे और लास्ट फंदा उल्टा। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब डिज़ाइन का चौथा लाइन और सामने से, तो सभी फंदे हम चौथी लाइन में भी सभी फंदे सीधे बना लेंगे। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और रॉन्ग साइड, तो हम दूसरे कलर का थ्रेड अटैच कर लेंगे। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, और अब देखिए ये हमने पहली लाइन में दो फंदे स्लिप किए थे, तो ये दो फंदे और डिज़ाइन के तीन फंदे, यानी कि पांच फंदे हम सिलाई में तीन बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बना लेंगे। सिलाई में तीन बार ऊन लपेटा, उल्टा बुन लिया, फिर सिलाई में तीन बार ऊन लपेटा और उल्टा बुन, तो पांच फंदे हमने सिलाई में दो बार ऊन तीन बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लिया। अब दो फंदे हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये हमने दो फंदे स्लिप किए थे, ये दो फंदे हमने पहली लाइन में स्लिप किए थे, तो ये दो फंदे और तीन फंदे इधर से और तीन फंदे इधर से, दोनों साइड से तीन तीन फंदे लेंगे, और दो फंदे ये हमारे जो स्लिप किए हुए फंदे हैं, यानी कि आठ फंदे हम डिजाइन सिलाई में तीन बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, फिर दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर आठ फंदे सिलाई में दो तीन बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। तो आठ फंदे सिलाई में तीन बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुने जा चुके हैं। अब दो फंदा स्लिप करेंगे। अब लास्ट में देखिए छह फंदा बचा है, तो पांच फंदे सिलाई में तीन बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, और लास्ट फंदा इसे सिंपली उल्टा बुन लेंगे। छठी लाइन और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इन लपेटे हुए पांच फंदों को खोलेंगे, और इन पांच फंदों के दोनों साइड इन पांच फंदों को हम दो राउंड लपेटेंगे। ये एक हुआ उन दूसरी ओर, पांचों फंदों को दाहिनी सिलाई में लेंगे, ऊन को वापस अपनी तरफ लाएंगे, फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे और ऊन को दूसरी तरफ। ये देखिए हमने दो बार ऊन लपेट लिया। अब ऊन को वापस दाहिनी सिलाई में लेंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर लपेटे हुए आठ फंदों को खोलेंगे और इन आठों फंदों के चारों तरफ दो बार हम इस थ्रेड को लपेटेंगे। तो ये एक हुआ और ये दो हुआ। तो देखिए हमने दो बार थ्रेड को लपेट लिया है, और अगले दो फंदे इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। आठ फंदे खोलेंगे और इनके चारों तरफ हम दो बार थ्रेड लपेट लेंगे। एक दो, इन्हें दाहिनी सिलाई में लेंगे और अगले दो फंदे सीधे। फिर पांच फंदों को लपेटे हुए पांच फंदों को खोलेंगे और इनके चारों तरफ हम दो बार थ्रेड लपेट लेंगे। एक
और दो, और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये छठा लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा सातवां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदे सीधे बना लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। और एर्थ रो और फ्रंट साइड, तो सभी फंदा हम सीधे बना लेंगे। तो सभी फंदे सीधे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आठ लाइन कंप्लीट हो गए हैं। इन्हीं आठों लाइनों को हम ऊपर ऊपर दोहराते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन आपके सामने है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।